नाउ अब हम लोग नाजिस्म के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। एक आपको चीज पता चल गई कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वीमर रिपब्लिक पर बहुत सारे जो कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे, सो ये जो ट्रीटी हुई थी इसका नाम था ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। व्हाट इज द ट्रीटी? ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। तो उसमें उसकी वजह से वीमर रिपब्लिक को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और उससे कैसे ये हिटलर का उदय हुआ। हिटलर एक नाजी पार्टी था, वहाँ नाजी सोशलिस्ट पार्टी था, उसका मेंबर था, तो उसका कैसे उदय हुआ, उसने अपने क्या प्रोपेगेंडा फैलाया, किस तरह से उसने अपने पार्टी के मेंबर्स को 1932 में इतना बड़ा कर लिया और फिर उसके प्रोपेगेंडा के चलते क्या क्या चीज़ें हुई। हो गई ये तो मेरी ना, चलो ना फेस्ड बाय बाकी लोगों को भी बोला था जमा करने को आंसर शीट, इसको रिपीट ना कराना पड़े, जमा करिए जिसके जिसके पास बाकी है। नाउ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर था, सो डिस्क्राइब द प्रॉब्लम फेस्ड बाय वीमर रिपब्लिक। वीमर रिपब्लिक जगह का नाम था उसका नाम वीमर था और ये वर्सलीज पैलेस ऑफ वर्सलीज के पास था जहाँ इसकी संधि हुई थी, तो इसे वीमर रिपब्लिक नाम दिया गया। सो आफ्टर डिफीट ऑफ जर्मनी इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आफ्टर डिफीट ऑफ जर्मनी इन वर्ल्ड वॉर वन, इसके द्वारा Allied forces, सहयोगी शक्तियों के द्वारा there were many इस पर इम्पोज कर दिए गए sanctions, many sanction imposed, many प्रतिबंध होता है sanctions का मतलब, imposed on Germany and huge war reparation, reparation was charged by Germany. The reasons, the problems faced by Weimar Republic was, पांच नंबर में क्वेश्चन आएगा, रिपब्लिक वास क्या क्या समस्याएं उसके द्वारा देखी गई। सो पब्लिक मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द माइजरीज, ठीक है, किंग कैसर विलियम टू फ्लेड टू हॉलैंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, सो देयर वाज ओनली, देखो किंग कैसर विलियम, हाँ विलियम टू फ्लड टू हॉलैंड जिसका नाम आज नीदरलैंड है, हॉलैंड, सो पब्लिक हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, हेल्ड रिस्पॉन्सिबल to Weimar Republic, public for all humiliation faced by Germany. Faced by Germany in
ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज, तो वर्साय की संधि में कितनी भी चीजें हुई। नाउ सेकंड, द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, ठीक है, मेड द कंडीशन ऑफ जर्मनी पीपल, मेड कंडीशन ऑफ पीपल फर्दर वर्सेंड, उसे और बुरी हो गई, वर्सेंड, पीपल लॉस्ट देयर जॉब, एंड सबसिस्टेंस क्राइसिस अराइजेस, मूलभूत चीजों का अभाव हो गया, द मिडिल क्लास स्मॉल बिजनेसमैन, ये सब बर्बाद हो गए, मिडिल क्लास स्मॉल बिजनेसमैन, ठीक है, ट्रेडर्स रिटेलर्स एंड एम्प्लॉइज, ट्रेडर्स रिटेलर्स जो थोक विक्रेता थे, जो फुटकर विक्रेता थे, एंड कुछ जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन थे, खुद जो काम करते थे, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल रूइंड, तबाह हो गए, सबसिस्टेंस क्राइसिस हैपेंड, मूलभूत खाने की चीजों का अभाव हो गया, सबसिस्टेंस क्राइसिस हैपेंड, वीमर रिपब्लिक वाज फेल्ड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो वीमर रिपब्लिक के बारे में ही हमें बताना है, रिपब्लिक हैड फेल्ड, हैड वाज, यही सब वर्ड यूज करना है जो हिस्ट्री की चीज है, इसमें हैज नहीं लगाना है, कहीं नहीं लगाना है, हैड लगाओ, वाज लगाओ, एक तो सेंटेंस गड़बड़ हो जाता है, वो भी टीचर का डिस्प्लीजर बनता है, हैड या वाज या सेकंड फॉर्म, यही तीन यूज करना है, हैड लगा दो तो थर्ड फॉर्म, और जो ऐसे वाले हैं जैसे उसमें भी रूइंड भी सिंपली मिल सकते, ठीक है, सो रिपब्लिक वाज जो उस समय का था वही लिखना पड़ेगा, सॉल्व, क्योंकि नीदरलैंड फिर कुछ और चीजें भी आ जाएंगे, हॉलैंड ही आज का नीदरलैंड नहीं है, आज के नीदरलैंड में हॉलैंड के साथ कुछ और भी, सो सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो दूसरी चीज हो गई कि जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ उसके लिए ये सब, अब तीसरी चीज देखो, ये करीब 29 टू 30 में हुआ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, ठीक है, 1929 टू अब मतलब से 30 टू 30, तीन साल, तो यही साल है। अब तीसरी चीज कि वीमर रिपब्लिक पॉलिटिकली वीक थी, सो इसने 239, एक साल के भीतर 20 बार बदली गई, 20 बार इसको डिसमेंटल किया गया, फिर चुनाव हुआ, ये मजाक है क्या, हर 20 दिन में तुम्हारे चुनाव करा दिए जाए, कोई मतलब होता है, सो वीमर रिपब्लिक वाज पॉलिटिकली, ये राजनीतिक तौर पर कमजोर थी, तभी लोगों को अनुभव था नहीं चलाने का, सो इट हैज सम इनहेरेंट डिफेक्ट, एंड इट इसकी वजह से सो देयर वाज रूल ऑफ कोएलिजन गवर्नमेंट, कोएलिजन समझते हो, गठबंधन की सरकार, बहुत सारे लोग मिलकर चला रहे थे, एंड देयर वर इनहेरेंट डिफरेंसेस, उनके बीच में अंतर्भूत कुछ मतभेद थे,
कोलिजन तो समझते हो ना, गठबंधन, जेडीयू कांग्रेस बीजेपी सब मिलकर चलाने लगता है, हमारी बात मानो हमारी बात, कोलिजन को। ओके, गवर्नमेंट दे, लास्ट बंद तो नहीं होगा, ऊपर कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा, और बाकी वियर वन एक्स्ट्रा स्वेटर फॉर एनवायरमेंटल। सो दिस वन, देयर वाज अ रूल ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट, ठीक है। सो इसकी वजह से क्या हुआ, there were often disputes and differences between parties, के बीच में क्या होते थे, between parties। हमारे बगल में वो आए थे जो अभी एट्थ के बच्चे का एडमिशन करने, वो कह रहे थे कि ये अरविंद तो बोलता है 5 बजे आते हैं, तुम आते भी 5 ही बजे, उनको बताया था तुमने कि हम 5 बजे आते हैं, आते भी उसी हिसाब से, घर में बता रखा होगा 5 बजे से ट्यूशन। चलो, सो हाँ, देयर कहाँ पे, सो उससे फर्दर वर्सेंड हो गई वो जो कंडीशन थी, और भी क्या हो गई बोलो, और खराब हो गई। अच्छा, there were often disputes and the problem was article 48 that president has right to dissolve the Weimar Republic and he has used 20 times within 239 days. So आपने ये क्यों लिखा है 1920? ये economic depression जो महामंदी का काल था, यही सबसे बड़ी महामंदी थी, हमने बताया नहीं था, सब जब युद्ध खत्म हो गया तो सब सामान धरे के धरे रह गए, जो तो फर्दर वर्सेंड, और भी बुरी हो गई दशा इसकी वजह से, महामंदी की वजह से, सही है। अच्छा, द अदर प्रॉब्लम वाज आर्टिकल 48 विच हैड गिवन राइट टू प्रेसिडेंट to dissolve the parliament. So using article 48, president dissolved parliament times in a period of 239 days, which made the condition of Germany unstable. Now, यही 3 पॉइंट है, ये लिख दो पूरे नंबर मिल जाएंगे, इतना बड़ा लिख दो। चलो, How Nazism became popular in 1930? ये बुक का क्वेश्चन है। How Nazism became popular In 1930, उसको सबसे मेजर पार्टी थी जबकि शुरुआत में उसको 2 सीटें थी, मालूम है कि नहीं, दैट इज नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट में ही तो जड़ा ही आता है कि नहीं। चलो, सो द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 29 टू 32 बैडली हिट द जर्मन इकोनॉमी, सो इसमें भी यही आंसर है, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929 to 32 badly hit, इसने जर्मन इकोनॉमी को पूरी तरह से तबाह कर दिया, जर्मन इकोनॉमी, तो
इससे क्या होगा, देयर वाज ए फियर अमंग पीपल, बैंक्स कोलैप्स्ड हो गए. सो एंड बिजनेसमैन, जो बिजनेस शट डाउन हो गए. There was fear and anxiety among people. Anxiety. लोगों में एक उत्सुकता थी कि आगे क्या होगा. In people. So, at the same time, Nazi propaganda. At सेम टाइम जो नाजी का प्रोपेगेंडा था, एक उसने तरीके का भ्रामक प्रचार किया. प्रोपेगेंडा का क्या मतलब है, प्रोपेगेंडा दुष्प्रचार, झूठ प्रचार. प्रोपेगेंडा स्टिल्ड हो फॉर ए बेटर फ्यूचर. स्टिल्ड का मतलब जैसे कॉफी स्टिल की जाती है ना चम्मच से, लोगों में एक तरीके की आशा जगा दी. एराइजन भी लिख सकते हो, स्ट्रीट अच्छा वर्ड है लेकिन अगर याद ना आए तब क्या करोगे. एराइजन हो अमंग पीपल फॉर बेटर फ्यूचर. बेटर फ्यूचर की होप जगा दी. सो इन 1928 नाजी वोट परसेंटेज कितने उसने वोट पाए थे, वोट परसेंटेज वाज 2.8% विच रेज्ड टू 37% इन 1932, तीन साल में, चार साल में, विच रेज्ड टू 37%, जबकि मोदी सरकार 31% के साथ ही सरकार बना ले गई. सौ में से अगर 31% किसी को मिल जाए तो कितना होता, 37 कितना होता, 31% में ही उसको 310 सीटें मिल गई है 543 में. और सोचो जरा इसको 37 मिले होंगे तो कितनी ज्यादा है, बाकी बट जाते हैं ना वोट, 28-29 पार्टी हैं. तो अब जैसे रेज्ड टू 37% इन 1932, नाजी पार्टी बिकेम द लार्जेस्ट पार्टी इन 1932. नाजी पार्टी बिकेम लार्जेस्ट पार्टी इन 1932. अब देखिए, हिटलर द लीडर ऑफ नाजी पार्टी इन्फ्लुएंस द पीपल बाय हिज पर्सनालिटी एंड गुड ओरेटरशिप. अच्छा प्रवक्ता था ना, ओरेटर का क्या मतलब होता है. सो हिटलर द लीडर ऑफ नाजी पार्टी इन्फ्लुएंस पीपल By his personality, उसमें एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा था. By his personality and good oratorship. Oratorship ना लिख सको तो फिर स्पीकर लिखना, ठीक है. He was a good speaker. तो now He promised German people to restore the dignity of Germany. उसने लोगों को क्या बताया? He promised German people कि वो जर्मन की खोई हुई महिमा वापस ले आएगा. German people to restore the dignity, यानी खोया हुआ सम्मान. Of Germany, ऐसा उसने बताया. He himself project as savior. उसने अपने आप को लोगों के बीच मसीहा के तौर पर पेश किया. He himself, कि वही ऐसा कर सकता है.
सेल्फ प्रोजेक्टेड एज सेवियर या मसीहा among people, कि वो उन्हें बचाने आया, उसका जन्म इसीलिए हुआ है। ठीक है, नाउ नाजी हेल्ड मैसिव रैलीज एंड पब्लिक मीटिंग टू डिमॉन्स्ट्रेट द पावर एंड सपोर्ट। तीसरी चीज क्या है, नाजी हेल्ड पब्लिक रैलीज, पब्लिक रैली की एंड डिमॉन्स्ट्रेशन टू शो देयर सपोर्ट। टू हिटलर, कि वे सब हिटलर के साथ है। इतना लिखना होगा, लगभग मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा उसमें नाजीज में भी डालना पड़ेगा ना, क्या कंडीशन है उसके साथ, ये लिख देना होगा। अब देखिए, नाउ नेक्स्ट, नाजीज्म बिकेम द मास मूवमेंट इन जर्मनी when Hitler became counselor of Germany. चौथा, Nazism became mass movement and most popular in Germany. सबसे ज्यादा लोग इसे पसंद करने लगे, popular in Germany. Which made Hitler या Adolf Hitler as counselor of Germany. Germany बना दिया, किस साल में बनाया? 1932 में बनाया होगा ना, 33 में है ना, 30 जनवरी in 1933, 30 जनवरी 1933 जो भी दिखाया जा चुका है। फिर उसने इंप्लीमेंट पास कर दिया। नाउ अब जरा देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपकी बुक का है, व्हाट वाज द पिक्यूलियर फीचर ऑफ नाजी थिंकिंग, व्हाट वाज द पिक्यूलियर, क्या खासियत थी, क्या अजीबोगरीब था, या फीचर ऑफ नाजीज, फीचर ऑफ नाजी थिंकिंग। देयर वाज, इनकी थिंकिंग ये थी, द पिक्यूलियरिटी या पिक्यूलियर फीचर ऑफ थिंकिंग, ये अजीब तरीके से सोचते थे। नाजी थिंकिंग इज एज फॉलोज, देयर वॉज नो इक्वलिटी बिटवीन पीपल, देयर वॉज नो इक्वलिटी, वो समान नहीं मानते थे बिटवीन पीपल and they believe in racial hierarchy, in racial, मतलब जो हमें उत्तराधिकार मिला है, हमारा जो ननीली आंखों वाले ये रह, उसमें वो विश्वास करते थे कि रेशियल हायरार्की, इन दिस द
ब्लॉन्ड ब्लू आई यानी सुनहरे बालों और नीली आंखों वाले जर्मन, ब्लॉन्ड का मतलब सुनहरे बाल, नॉर्डिक जर्मन्स आर एट द टॉप, सो इन दिस ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड का मतलब सुनहरा गोल्डन, ब्लू आई नॉर्डिक आर्यंस, नॉर्डिक आर्यंस आर एट द टॉप ऑफ टॉप लेवल ऑफ ह्यूमन रेस, ह्यूमन रेस इट वॉज एफेक्टेड बाई चार्ल्स डार्विन, ये कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन जो उसकी विकासवादक प्रकृति जैसी वो होती है कि सब एक जैसे नहीं है, डार्विन ने उसमें क्या बताया था, सब में कुछ ना कुछ परिवर्तन है, अब वो बायोलॉजिकल है, तो उसने उस साइंस का सहारा लिया अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने। सो इट वॉज अफेक्टेड बाय चार्ल्स डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, उन्होंने एक बुक लिखी थी बहुत फेमस हुई थी उस समय, अभी भी पढ़ी जाती है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। सो उनकी बुक से प्रभावित था, उन्होंने सारे अलग अलग आइलैंड में जाके कछुओं की बारीकी से जांच की और देखा कछुओं में क्या क्या अंतर है, टोर्टोइस, उनके साथ चार नेवल अफसर वहां बैठे रहते थे और वो कछुओं की जांच करते। तो ज्यूज आर एट द बॉटम ऑफ दिस रंग इन लैडर ऑफ एवोल्यूशन, वो तो टॉप पर है, जैसे मैंने कल दिखाई थी कि नहीं, ज्यूज आर एट बॉटम, ज्यूज सबसे कम जानकार है, ज्यूज आर एट बॉटम, जैसा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि दुनिया में सबसे बड़े मूर्ख भारतीय हैं, उन्होंने भी उन्हीं डार्विन वाद का एक सहारा लिया, क्या पता किस लिए, उन्होंने कहा भारतीयों से बड़ा कोई नहीं, ना ऑल अदर कलर्ड पीपल वर प्लेस्ड, जो दूसरे हैं, ऑल अदर कलर्ड पीपल वर प्लेस्ड इन बिटवीन जर्मन्स हैं, जर्मन्स एंड ज्यूज, उनमें कौन कौन आ जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल जो हिप्पी हैं, रेड इंडियंस, इंडियंस, वो सब उसमें आ गए। सेकंड उन्होंने बताया आर्यन रेस इज फाइनेस्ट, आर्यन रेस इज फाइनेस्ट, इट हैज टू रिटेन इट्स प्योरिटी, नीली आंखों वाली महिलाओं को हिप्पी इंडियंस रेड इंडियंस से मिलना नहीं चाहिए, उनसे प्यार नहीं करना चाहिए, उनसे शादी नहीं करना चाहिए, उनसे बच्चे नहीं करने चाहिए, ऐसा करने से जो उनकी प्योरिटी है रेस की वो खराब हो जाएगी, जो ऐसा करेगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा। सो रेस इज फाइनेस्ट, सो इट हैड टू रिटेन इट्स प्योरिटी, इसलिए आर्यंस को कोई बातचीत या अपने संबंध नहीं बनाने चाहिए किसी से, प्योरिटी एंड डोमिनेट द वर्ल्ड, पूरा संसार उन्हें के लिए है, वीर भोग्या वसुंधरा, जो वीर है उन्हीं के द्वारा ये वसुंधरा भोगी जाती है, एंड हैड टू डोमिनेट द वर्ल्ड, वो उनके लिए नई नई जमीनें जीतता गया और जर्मनों को बोलता गया जाओ वहां बसो। नाजी ग्लोरीफाइड वार, उन्होंने
युद्ध का महिमा मंडन किया, बोला जितने भी बच्चे पैदा होंगे सब सेना में जाएंगे, और 5 साल सेना में रहेंगे। देखना पड़ेगा, हमें तो नहीं लग रहा होगा। नाजी नाजीस ग्लोरीफाइड बार विश्व का युद्ध का महिमा मंडन किया। Their only aim was to unite people of all Aryan race under one state. जितने भी आर्य लोग हैं इधर उधर फैले हैं या भारत में भी फैले हैं, उन सबको एक साथ करना। भारत में तो नीली आते नहीं थे, सो किस तरीके से नाउ ग्लोरीफाइड वन। तो उन्होंने their aim was to unite आर्यंस। आर्य का मतलब क्या होता है, क्या श्रेष्ठ, जैसे आर्य पुत्र अर्जुन, श्रेष्ठ पुत्र अर्जुन, आर्य का क्या मतलब होता है, श्रेष्ठ। सो वाज टू यूनाइट आर्यंस अंडर जर्मनी, इस सभी आर्यंस को मिला लो और किसमें डाल दो, जर्मनी में। हिटलर बिलीव दैट न्यू टेरिटरीज हैड टू बी एक्वायर्ड, नई जमीन जीती जानी चाहिए और हर एक के लिए खूब घूमने फिरने की जगह होनी चाहिए, कंजेस्टेड ना रहे आर्यंस। हिटलर बिलीव, चौथी चीज क्या है, हिटलर बिलीव दैट न्यू टेरिटरीज, हैड टू बी एक्वायर्ड, है सभी ना लगाना हिस्ट्री में, हैड टू बी एक्वायर्ड, ठीक है, फॉर सेटलमेंट्स ऑफ जर्मन्स या आर्यंस, इसके लिए। For settlement, Aryans word लिखना, क्योंकि जर्मनी तो और भी लोग थे उनको मारता था, Aryans। This would bring new prosperity, जब नई जमीन लोगे तो वहां से बहुत कुछ मिलेगा ना, This would bring new prosperity and power, उसके हाथ में बहुत सारी चीजें आ जाएंगे, and natural resources तो लोगों को कमी नहीं रहेगी। नाजी वांटेड, फिफ्थ पॉइंट, वो चाहता था ऐसे ब्लू आइड जर्मन हो जो बिल्कुल शुद्ध हो दिखने में, और मान लीजिए कि जो माए लूले लंगड़े या थोड़े अपंग या थोड़े कम हल्दी बच्चों को जन्म देती थी उनको जेल में डाल देता था या मरवा देता था नॉर्डिक आर्यंस में, और जो अच्छे अच्छे स्वस्थ हेल्दी बच्चों को जन्म देती थी तो उनको क्या करता था, 6 बच्चों को जन्म देने वाली को एक ब्रॉन्ज मेडल, 12 बच्चों को जन्म देने वाली को एक सिल्वर मेडल, और 18 बच्चों को जन्म देने वाली को वो गोल्ड मेडल दिया करता था। प्राइस नहीं था, वो रेल में फ्री यात्रा कर सकती थी, और वो ब्रेड की दुकानों में उनके लिए कोई लाइन नहीं थी, वो बस मेडल पहन के आती थी और सामान लेके जाती थी। तो वो चाहता था बहुत से ज्यादा जर्मन हो, और अपंग बच्चे पैदा कर दिए तो जेल में डाल दिए, और सुंदर सुंदर अमन टाइप। तो ऐसा देखता था, और फिर उन बच्चों को ले लेके खिलाता था, देखो बुक में चित्र बना तो गोद में लेके खिलाता है। नाउ अब उसमें वो क्या करता था कि नाउ नाजी वांटेड ए सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी, नाजीज वांटेड अ सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी आर्यंस। तो प्योर एंड
हेल्दी आने चाहते थे, सो और कौन कौन से थे, दैट इज इंडियंस, रेड इंडियंस, देख लो रेड इंडियंस, जिप्सीज, अमेरिकन, अमेरिका के लोग रेड इंडियन, जिप्सीज और ज्यूज वर कंसीडर्ड अनडिजायरेबल, उनको दे वर कॉल्ड एज पेस्ट्स, उनको कीड़े मकौड़े कहा गया, दीज वर कॉल्ड एज पेस्ट्स एंड इंसेक्ट्स, दे वर पॉपराइज्ड, उनका मजाक उड़ाया गया कि उनकी पकौड़ों जैसी ना स्कूलों में, ठीक है, उनको अनडिजायरेबल कहा गया, एंड डिक्लेयर्ड दैट दे हैव नो राइट टू एग्जिस्ट, और ये भी कहा गया कि उनको जीने का कोई अधिकार नहीं है, क्या पता इस कुछ कुछ सिरफिरे होते हैं, दैट दे हैव नो राइट टू लिव, ऐसा जरूरी नहीं है कि हिटलर ही बेकार है, जैसे इधर उधर के लोगों को ज्यादा किया गया, तुमको मालूम है जो ब्रिटिश के लोग अमेरिका में गए थे 95 रेड इंडियंस को मार डाला, 5% बचे, मार काट सब जगह चल रही है, वो अभी भी ब्रिटिशर्स इंडियंस को इंफीरियर मानते हैं, इतना सम्मान दिया गया ऋषि सुनक को, वहां जाकर कह रहे हैं कि मुझे पर्याप्त सम्मान नहीं किया, और जबकि यहाँ सब लूट खसोट की, हमारा सब सामान ले गए चोरी, उनको सम्मान भी चाहिए, ठीक है, कि उनको जीने का अधिकार नहीं है। तो नाजी ने क्या किया बताइए, नेक्स्ट, नाजी हेटेड ज्यूज मोस्ट, सबसे ज्यादा उन्होंने ज्यूज को किसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है बताओ, यहूदियों के लिए, सही है, तो यहूदी, ठीक है, ज्यूज मोस्ट, They were terrorized, pauperized, और criticized. उनको कई तरीके से they were terrorized किया गया, pauperized मतलब वो जो टीचर थे उनको तो पहले ही स्कूल से निकाल दिया गया, बच्चों को भी निकाल दिया गया, और उनको क्या करना पड़ता था, ये तुम्हारी फोटो है क्या, तुम्हारी नहीं है ना, कंडीशन ऑफ ज्यूज इन नाजी रूल, ध्यान दो बात मत करो, सो यहां पर आप देखिए कि नाजी रूल में इनकी क्या कंडीशन थी, ये देखो, तो ये इस समय की कंडीशन है, ऐसे कपड़े पहनाए जाते हैं, ये ठीक मरने से पहले किए, तो अब इनको क्या किया जाएगा, कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाएगा, फिर इनके ऊपर या तो गैस चैम्बर में या करंट वाले तारों में इनको डाला जाएगा, ये तो यहाँ पर भी देख लो कि ज्यूज आर नॉट अलाउड इन एनी ऑफ द बिल्डिंग्स, हाथ बांध के खड़े हैं, इन्हें नहीं आने देंगे, ये इसमें भी ये दिखाया गया है कि मैं ज्यूज हूं, मेरा मजाक उड़ाओ, ये इनको अभी इस तार को छूना है, इनको गाड़ों के पीछे रखा गया है, ये सब अब ये एक माल गाड़ी में डाले जाएंगे जो चारों तरफ से बंद है, माल गाड़ी में डाले जाने से पहले
ये सो नाउ जगह जगह लिखा रहता था कुत्ते और जीव अलाउड नहीं है। ये क्या लिखा है? जीव्स आर सिक। क्या लिखा है? मतलब जूडन, जूडन का मतलब ही होता है कि उनके बारे में कुछ यहाँ पर कमेंट लिखे गए हैं। अभी ये देखो, ये माल कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर इनको इकट्ठा किया गया है, अब इनको डिस्पोज किया जाएगा। तो अब और कुछ चीजें देखें कि इनको गाड़ियों में बैठाने से पहले तुम्हें लिखा है कि, और नाजी का एक प्रोपेगेंडा भी था, ये इस तरीके का भीड़ रहता था और ये उसका स्वास्थ्य का चिन्ह था, तो बड़ी बड़ी भीड़ चलती थी नाजिस। और ये हिटलर, हिटलर कितना पॉपुलर था, सब लोग हाथ उठा रहे हैं, शपथ ले रहे हैं कि हाँ, और कितने सारे झंडे स्वास्थ्य के हैं, कौन सा सल्यूट है ना। हाँ, तो अब देखिए कि कितने सारे झंडे हैं। तो इसका प्रोग्रेशन, जो मास प्रोग्रेशन, इसकी खुद भी ऐसे करता था जो कि सल्यूट का साइन है। तो बड़े बड़े प्रोग्रेशन ये निकाले जाते थे। अब देखिए कि ज्यूस की क्या कंडीशन थी, द कंडीशन ऑफ ज्यूस। सो ये देखो, ये बच्चे सड़कों पर कैसे खड़े हैं, डरे हुए ज्यूस। सो इन लोगों का स्टार आप देख रहे हो, इनके कंबल पे स्टार है। जितने भी ज्यूस हैं उन्हें स्टार, कोई भी इनको हंसी उड़ा सकता था, मजाक उड़ा सकता था, और इनको अपनी पहचान दिखानी अवश्य होती थी कि हम ज्यूज हैं। एक स्टार टाइप देख रहे ना, तो ऐसा स्टार इन्हें लगाना पड़ता था, कोई भी जो ज्यूज होते थे अगर कहीं भी जाएंगे। और नाउ इसके अलावा अब देखें कंसंट्रेशन कैंप ऑफ ज्यूज, ये भी देख लो कि इनको कंसंट्रेशन कैंप में कैसे चढ़ाया जाता था। डिब्बे में, ये ऐसे डिब्बे हैं जिनमें पूरे बंद है और इन्हीं गाड़ियों में इन्हें चढ़ाया जाना, तो इन्हें मालूम है कि मरने जा रहे हैं। ये स्ट्रिप्ड कपड़े पहनते थे, उठी नहीं वो, एक एक प्लांट डब्बे में मारता गया धीरे धीरे कर करके, और कोई कुछ बोल ही नहीं पाया इनको। ये देखो ऐसे कपड़े पहनाए गए, और ऐसा ही नहीं, इसे होलोकास्ट कहते हैं। होलोकास्ट का मतलब पूरी तरीके से किसी जीनोसाइड, एक जीन को ही खत्म कर देना। देखो दैट इज, ये कहा जा सकता है कि ये इमेजेस फॉर जीनोसाइड ऑफ ज्यूज। तो आप इसमें देखें, इसको कहते हैं कि होलोकास्ट। जब आप देखेंगे कि जूतों के ढेर इनके हैं, फेंके जा रहे हैं या ऐसे भी गिराया जा रहा है। ये देखो कह रहा है इसमें कूदो, एक एक करके कह रहे हैं कूद, दलिया वाला बात सबको कूदा दे रहे, मर जाएंगे। और ये जूतों के ढेर तो देखो, ये मरे हुए लोगों के जूतों के ढेर देख रहे हो आप, तो सब पूरा जूते उते उतरवा दिए जाते थे। और इनसे काम तब तक लिया जाता था जब तक ये मर ना जाए। तो दिस वाज कंडीशन, और कहीं कहीं तो ये कंडीशन इसमें ऐसे ही लिटा दिया है ना। और इनकी ये भी देखो, एक साथ समाधि, बस मिट्टी से ढकना है, लिटा दिया मिट्टी से ढकना। ये देखो एन फ्रेंच का घर, हाउस ऑफ एन फ्रेंच। एन फ्रेंच जो भी थी ना, हाउस ऑफ एन फ्रेंच इन जर्मनी, तो वो एन फ्रेंच वहां की ये है उसका घर। तो इसमें उसका वो कमरा है जिसमें ये लोग रहते थे, दो साल रहे फिर इनका भेद खुल गया। उसने एन फ्रेंक है, इसी में रहते।
और इसकी कहानी 10 मिनट का आप कभी डॉक्यूमेंट्री सुनोगे तो पता चलेगा कि कितनी मुश्किल से ये रहे, हिलना डुलना तक ना। Now, they were terrorized, pauperized. उनको टेररिज किया और पॉपराइज किया, मजाक उड़ाया, ठीक है। और क्या किया बताइए इसके अलावा, compelled them to leave their country, और बाध्य किया, compelled them to leave their country. Now, इसके अलावा children were taught to be loyal and submissive, hate Jews and worship Hitler. लोगों को क्या बताया गया, जब किताबों में लिखाया गया कि तुम्हें Jews से घृणा करनी है और हिटलर की पूजा करनी है। So Nazi children, या ये कह सकते हो कि Aryan children, जर्मन भी लिख लो, जर्मन children were taught to hate Jews, and be loyal. उनको यंग वॉल्क में डाला जाता था जब वो थोड़े बड़े हो जाते थे, फिर उसके बाद यूथ आर्मी में जाते थे, फिर नाजी आर्मी, तीन जगह था, लॉयल टू हिटलर। ये सब पिक्यूलियरिटीज थी। While boys were taught to be aggressive, masculine and steel-hearted, लड़कों को बताया जाता था कि तुम्हें steel-hearted बनना है, जर्मन की सुरक्षा करनी है, और लड़कियों को बताया जाता था कि तुम्हें अच्छी माँ बनना है और ढेर सारे बच्चे पैदा करना है। Boys were taught to be steel-hearted and masculine, while girls were told to that they become good mother, and girls were told to become good mother and give birth to pure Nordic Aryans, यानी तुमको ज्यूस से शादी नहीं करनी है, and give birth to pure Nordic Aryans, ऐसा तो करता था। So those German women who are giving birth to healthy children, उनको क्या करता था? Those mothers who gave birth to healthy Germans, healthy children are given medals. Or no queue in bakery and free travel in railway. While mothers who gave birth to defective child, while mothers giving birth to defective child were punished. Were punished.
ये एक तरीके की खास इसकी नाची की फीलिंग ना। आप जरा देखिए कैसे नाजी का प्रोपेगेंडा, कितने लोगों को उसने मार डाला, कोई कुछ नहीं बोला, जैसे अभी आपने जैसे बोला था कि कुछ बोला नहीं, तो इस इतना बड़ा काम, इतने 13 लाख लोगों को मारना, फिर और हिप्पीज को, ये तो हम कह रहे 95% जूस को उसने मार डाला था, तो कैसे ये सब संभव हो सका, उसने कैसे ये चाल चली होगी तो, और कैसे लोगों को मिलाया होगा। हाउ द नाजी प्रोपेगेंडा ऑफ, इसको कहते हैं होलोकास्ट, होलोकास्ट का मतलब है उन्मूलन, पूरी तरीके से खत्म कर दो, कुछ भी ना बचे। तो यानी आप ये समझो कि अमेरिका के पास एक ऐसा हाइड्रोजन बम है कि अगर वो उसको ब्लास्ट कर दे तो पूरी अर्थ में होलोकास्ट आ जाएगा, यानी 50 अरब वर्षों तक एक बैक्टीरिया भी जिंदा नहीं रहता, और खुद भी अमेरिका भी मारा इतनी सफलता हासिल कर। हिटलर ने अपने आप को गोली मार ली और अपनी प्रेमिका को भी गोली मार ली, बोला उसको सेनाएं पकड़ने आ रही थी लाइट फोर्स, उसने कहा उनके हाथ नहीं पड़ना चाहिए, बोला मैं जैसे ही गोली मारता हूँ तुम लोग मुझे ऐसा जला दो कि मेरे बॉडी का एक कतरा भी उनके हाथ ना है। तो उसको छत पे जलाया गया और उसके साथ उसके 37 वफादार अफसरों ने भी क्वेश्चन नंबर 4, हाउ नाजी प्रोपेगेंडा वाज इफेक्टिव इन क्रिएटिंग हेट्रेड फॉर ज्यूस, सो कैसे लोगों हेट्रेड फॉर So Hitler has deep hatred for Jews. Hitler जब छोटा था तो उसके माता पिता को Jews ने मरवा दिया था, जिन्होंने उसके माता पिता को मारा था वो कौन थे, Jews, और उसको बहुत प्रताड़ित किया था, तभी से इसके मन में Jews के लिए क्या हो गई, नफरत पैदा हो गई, ये अनाथ पैदा हुआ, अनाथ तो नहीं पैदा हुआ, माँ बाप मारे। Hitler had deep hatred for Jews, लेकिन क्या इतनी घृणा हो सकती है, हो भी सकती होगी ना, शासक बन बैठा था तो कर ही डाला। So he launched a propaganda against them, soon he became, as he became डिक्टेटर ऑफ जर्मनी, ही लॉन्च्ड अ प्रोपेगेंडा अगेंस्ट देम, सो नाजी हेट्रेड, जो नाजी का हेट्रेड था, हेट्रेड फॉर ज्यूस वाज अ प्रीकर्सर, प्रीकर्सर का मतलब ऐसे नहीं है, पूरी क्रिश्चियनिटी ज्यूस से घृणा करती थी लेकिन मारती नहीं थी, बस ज्यूस को अच्छी नजर से नहीं देखती थी, क्योंकि उनके जो ईसा मसीह हैं पैगंबर उन्हीं को उन्होंने मारा था, तो पूरी क्रिश्चियनिटी का ही राज ही था उस समय, पूरे यूरोप में कौन था, क्रिश्चियनिटी ही पॉपुलर हो रही थी, सो वाज अंडर इफेक्ट ऑफ ट्रेडिशनल, सो वाज जो नाजी हेट्रेड वाज अंडर इफेक्ट
ऑफ अंडर इफेक्ट ऑफ क्रिश्चियन एनमिटी टू ज्यूज, एनमिटी जानते हो, एनमिटी यानी दुश्मनी टू ज्यूज, एज क्रिश्चियंस वर हेटिंग ज्यूज सो ही एक्सटेंडेड हिज प्रोपेगेंडा फर्दर मोर. क्रिश्चियंस वर हेटिंग ज्यूज बिकॉज दे हैव किल्ड देयर मसीहा, सो ही हैड एक्सटेंडेड हिज प्रोपेगेंडा, उसने अपना प्रोपेगेंडा बढ़ा दिया, है ना. तो उसने क्या किया, नाउ सो दे वर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, दे वर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग जीसस क्राइस्ट. तो इसलिए उनको ये माना गया. नाजी नेवर, इन्होंने क्या किया, नाजी नेवर यूज, इवन अखबार में भी पढ़ा जाता था तो ये नहीं लिखता था कि इतने किल कर दिए गए. परमानेंट सॉल्यूशन वाज गिवन टू 1 लाख ज्यूज, उनको मुक्ति दे दी गई. नेवर यूज्ड वर्ड लाइक किल, किल वर्ड नहीं यूज किया, और मर्डर, और मर्डर इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन. सो मास किलिंग वर टर्म स्पेशल ट्रीटमेंट, जो एक साथ कईयों को मारना तो उसको क्या बोलता था, इनको स्पेशल ट्रीटमेंट देना. मास किलिंग वॉज टर्म्ड एज स्पेशल ट्रीटमेंट. इसके अलावा फाइनल सोल्यूशन, फाइनल सोल्यूशन की यही अंतिम इनके साथ किया जा सकता है, दैट इज यूथेनेजिया फॉर द यूथेनेजिया फॉर डिसेबल्ड के लिए. अब इसको मुक्ति दे दो, ऐसा किसके लिए, और जैसे इच्छा मृत्यु नहीं होती, यूथेनेजिया, डिसेबल लोग इच्छा मृत्यु नहीं मानते, तो यूथेनेजिया, और इसके अलावा डिसइंफेक्शन, पेस्टिसाइड, क्योंकि हम डिसइंफेक्ट कर रहे हैं सोसाइटी को, जैसे पेस्ट मारे जाते हैं, पेस्ट कंट्रोलिंग एंड डिसइंफेक्शन. संसार को इसीलिए बहुत बाद में पता चला कि क्या डिसइंफेक्ट कर रहा है. सो अच्छा, द बाथरूम इन विच दे वर केप्ट वर हैविंग फेक शावर्स फ्रॉम विच जहरीली गैस इज कमिंग, इसमें झूठे शावर, उसमें पानी आता ही नहीं था, गैस आती. सो बाथरूम ये पिक्चर भी किसकी आई, उन्हीं के ऊपर तो दिखाई गई ना, वेयर दे वर कैप्ट, फेक शावर्स. अब देखो, नाउ मीडिया वाज केयरफुली यूज्ड टू विन द सपोर्ट फॉर द डिजाइन एंड पॉपुलराइज इट्स वर्ल्ड व्यू. मीडिया भी इस काम में चतुर थी, क्योंकि मीडिया उसके अंदर में थी, इकोनॉमिक मीडिया, मिलिट्री, सब कुछ उसने अपने अंदर मिले रखा था, तो इसलिए वर्ल्ड को अपने साथ उसने कैसे किया. नाउ मीडिया वाज केयरफुल इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ वर्ल्ड
मीडिया वॉज केयरफुल, बहुत सारे कंट्री तो ऐसे ही बोलते थे, ब्रिटेन इटेन को मालूम था चलो अच्छा हुआ जी उसको मार रहा है, हमारे तो दुश्मन मारने, बहुत सारी यूरोपियन कंट्री जहाँ सब क्रिश्चियनिटी है, तो मीडिया वॉज केयरफुल और इवन उसने कई जगहों पे कब्जा कर लिया, लोग बोले अच्छा हुआ हमारे आ रहा है, हमारे जीसस क्राइस्ट मसीहा वालों को मारेगा, लोगों ने खुद आने दिया, कब्जा करवाया, लेकिन हालत खराब हो गई जब उसने सिर्फ नीली आंखें ही वाले देखने चालू कर दिए, उसने कहा ये तो जीसस को नहीं मारा सभी को मार रहा, तो मीडिया वॉज केयरफुल एंड सक्सेसफुल इन गेनिंग सपोर्ट वर्ल्ड वाइड। बहुत सारी चीजें तो दुनिया को बहुत बाद में पता चली, जब लोग एलाइड फोर्सेस वहां पहुंची तो देख के हैरान रह गए, इतने मास में मारे गए हैं, लोग बहुत थोड़ा समझ रहे थे। नाउ नाजी आइडिया वाज स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेजेस, फिल्म, रेडियो, पोस्टर, लीफलेट एंड द इमेजेस ऑफ ज्यूज वर स्टीरियोटाइप, उनको मॉक किया गया, नाजी प्रोपेगेंडा को कैसे फैलाया गया, नाजी आइडिया वाज स्प्रेड थ्रू पोस्टर्स, सब जगह की थ्रू पोस्टर, रेडियो से फैलाया गया, लीफलेट जानते हो पर्चे बांटे गए, लीफलेट इन सबसे फैलाया गया, एंड स्लोगन्स वाइल ज्यूस के बारे में क्या किया गया, ज्यूस वर मॉब्ड अब्यूज एंड डिस्क्राइब्ड एज एविल, वाइल ज्यूस इनको मूक सहमति प्राप्त थी सभी क्रिश्चियंस कंट्री से, ज्यूस वर अभी पूरे विश्व में इजराइल ही एक ऐसा देश है जो ज्यूज है, वो भी बहुत बाद में बना, अब मतलब फिलिस्तीन और इजराइल में युद्ध होता रहा तो बोले ज्यूज हम जो 5% बचे हैं कहाँ जाएं, तो 5% जो बचे थे उनको बोला गया, अमेरिका ने बोला तुम्हें ये जगह दी जाती है और इसमें तुम रहो इजराइल में, और चारों तरफ 50 मुस्लिम देश हैं और ज्यूज अकेला है, और इजराइल वो इतना शक्तिशाली है कि सारे मुस्लिम देश उससे कांपते हैं, और उसकी खुफिया सेना का नाम मोसाद है, वो जहां चाहे दुनिया में किसी भी व्यक्ति को सफलतापूर्वक मार के आ सकता, एक बार उसके विमान को लोगों ने अपहरण कर लिया था, उसने सारे आतंकवादियों को मार दिया और अपने लोगों को भी छुड़ा के ले आई, और वहां की सरकार आतंकवादियों के साथ थी वो भी नहीं कर पाई कुछ, इस तरीके से उसने चारों तरफ क्या कर लिया, पूरा घेर लिया रनवे, यानी एक आदमी एक भी उनकी कैजुअल्टी नहीं हुई, दूसरे जगहों की आतंकवादियों को मार दिया, मोसाद की सेना बहुत काम कर रही, इवन हमारे यहाँ की भी जो खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं ना कनाडा इन सब में, भारत ने मोसाद की ही सेना का साथ लेकर के उनको चुन चुन के मरवाना शुरू किया, तो इस समय दुनिया की टॉप नंबर की है जो ज्यूज हैं, और जहाँ 20 ज्यूज थे 40 ज्यूज थे जगह जगह से सब आके फिर इसराइल में, तो क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया है जान बचाई है तो वो बिल्कुल मरने को तैयार रहते हैं किसी भी चीज को। सो वाइल ज्यूज वर क्या किया गया बताइए, मॉब्ड किया गया, मॉब्ड एक व्यक्ति ने अगर मान लो किसी ने जीसस क्राइस्ट को मारा तो क्या पूरे तुम समाज को मार डालोगे क्या, ये तो गलत है ना, मॉब्ड ठीक है, ये लोग सिनेगॉग में पूजा करते हैं, एक ऐसा कमरा जिसमें बहुत सारी खिड़कियां होती हैं, खिड़कियों के पास खड़े होकर पूजा करते हैं और घर में उस हॉल में कुछ नहीं होता, इनके जो पैगंबर है वो मूसा है, वो बोलते हैं प्रकृति की पूजा करो, जैसे ईसा है मूसा है ना, ईसा मसीह है कि नहीं, जीसस क्राइस्ट, तो मूसा इनके प्रवर्तक, एब्यूज्ड एंड मॉब्ड अब्यूज्ड एंड डिस्क्राइब्ड एज एविल, कल 3:30 से 5:30 क्लास होगी, इसमें बाकी की सिविक्स हो या ज्योग्राफी हो करा दी जाएगी, हिस्ट्री आपको पूरी करा दी गई है, समझ में आ गई बात है, तो कब तक आ जाओगे, 3:30 तक तो आ ही जाओगे, आ जाना थोड़ा देर लेट करके आ जाना,
Now, propaganda films were made to create hatred for Jews. इसके लिए propaganda films. तुम इसको देख सकते हो YouTube में propaganda films में कि कैसे उसने बनाई. Propaganda films were made to create hatred for Jews. देखो आपको दिखा दे प्रोपेगेंडा फिल्म्स अगेंस्ट ज्यूज. सो अगर मान लीजिए जर्मन रेयर फुटेज ऑफ माय पर्सन गेटो नाजी जर्मनी. ये नाजी जर्मनी का है. द परसिक्यूशन बिगेन हिटलर एंड ज्यूज. ये देखो The Nazis had swept to power. Their stormtroopers were now protected by the government. And one of their favorite excesses, the persecution of Germany's Jews, was now government policy. There were arrests, beatings. Stormtroopers urged people not to shop in Jewish stores. Shock. I was working at home to work anymore. Remember thinking that was it? I suppose so. I think that the. समझ में आ गया कि नहीं? ऐसे movies बनने लगी कि juice की दुकानों में तुम कुछ नहीं लो. Now, इसके अलावा तो Now, Jews were referred as vermin, rats and pests. तो Jews को क्या माना गया? चूहे. Jews were referred as vermin. वो भी कीड़े मकोड़े होते हैं. Referred as vermin, rats and pests. Pest माने गए. And their movements was compared with जहां से जाते थे लोग कहते थे rodents, चूहे दौड़ रहे हैं, ठीक है? And their लोग उसपे हंसते थे, कूड़ा फेंक देते थे. So movement was compared as जो अनाज खाते हैं उनको rodent कहते हैं. हाँ, अनाज खाने वाले कीड़े. अनाज खाने वाले धीरे धीरे ले जाकर किनारे में मारा. शहर के बीच बीच थोड़ी मारा, पता ही नहीं चल पाया वहां के बच्चों को. सो इसके अलावा नाजी वर्ड ऑन द माइंड ऑफ पीपल टैप देयर इमोशन एंड टर्न देयर हेटेड एंड एंगर एट दोस मार्गेस अनडिजायरेबल. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि नाजी ने क्या किया. एक क्वेश्चन और, हाउ नाजी टुक कंट्रोल ओवर द एंटायर जर्मनी. किस तरीके से नाजी ने पूरा कंट्रोल कर लिया. इन व्हाट वे डिड द नाजी सी टू एस्टैब्लिश टोटल कंट्रोल. इन व्हाट वे नाजी सी एंटायर कंट्रोल ओवर जर्मनी. सो नाजी केम इन पावर ऑन 30 जनवरी, दैट इज 1933. सो हिटलर
became dictator on 30 January 1933. ठीक है? He has taken steps to take total control. He has taken steps to take total control over Germany. शेयर दो पॉइंट बताओ इसके. जो बताओ पांच है. How Nazi propaganda was effective? इसमें पांच हैं, दो पूछेंगे. Effective in creating hatred for Jews. बताओ. चौथे क्वेश्चन. चुप रहने से आंसर आ जाएगा. They marked the houses. उसमें कहाँ देख रही हो? उसमें देखने से पहले. हाँ, छोड़ो. So, how Nazi propaganda was affecting in creating hatred for Jews? कैसे नाजी का propaganda सफल हो गया और creating hatred? आपने कॉपी जमा कर दी? साइन करके कर देना. हाँ बोलो. सिर्फ उतार ही रही हो. हाँ बोलो बेटा. कैसे उसका प्रोपेगेंडा सक्सेसफुल हुआ? पांच में से कहानी तो सुना रहे, पिक्चर भी दिखा रहे हैं, तो हिंदी अंग्रेजी कुछ आती है? बोलो. तो इससे प्रोपेगेंडा कैसे सक्सेसफुल हुआ? ऐसी चीजें बताओ जिससे प्रोपेगेंडा सक्सेसफुल होता हो. तुम तो कोई और क्वेश्चन का आंसर देने लग गए. हाँ बोलिए. वो वैसे उस कम्युनिटी का था नहीं, वो नॉर्डिक आर्यन स्वास्तिक वाला. बिकॉज क्रिश्चियंस वर हेटिंग. वो खुद क्रिश्चियन नहीं था, वो हम लोगों की तरह हिंदू. Disinfection. अभी बताना, आप चुप नहीं रहना. अभी पूछ रहे हैं. चुप रहना कोई हल नहीं है. Sir, all the people of Germany blamed them because they blamed them. They said that because of them they lose World War Sir, because they have accepted
ये हार्श ये क्या कह सकते हैं कंडीशंस ऑफ ड्यूटी, उनकी वजह से तो नहीं आ रही थी कैसा बिहेवियर था, बट दे हैव एक्सेप्टेड द हार्श कंडीशन एंड ह्यूज वाजिफिकेशन, समझ आई बात, इसलिए वो। और आगे बताओ ये पॉइंट आप बताओ, बीमार रिपब्लिक से लोग क्यों नाराज हैं, आप फिर लेट आए लेकिन फिर भी आता है तो उनको रिसोर्सेज नहीं प्रोवाइड करना। अब ठीक ठीक बताओ, मैं ऐसे नाम मार्क्स नहीं मिलते इसमें, बोलो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन एंड द कंडीशन ऑफ द कैनिंग पीपल वेरी बैड आफ्टर जर्मनी गेट्स बटल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द किंग विलियम कैसल विलियम फ्लेड टू पोलैंड सो जर्मनी पीपल क्लेम्ड बीमर पब्लिक पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ ह्यूमन रिपब्लिक वाज नॉट सो बैड वाज सो बैड एंड ही यूज टू पोल्यूशन गवर्नमेंट दे यूज पोल्यूशन गवर्नमेंट आगे बोलो प्रेसिडेंट ने क्या किया यूजिंग आर्टिकल आर्टिकल फॉर द ईयर प्रेसिडेंट बिफोर ह्यूमन रिपब्लिक प्रेसिडेंट टाइम देखो कितने अच्छे सेंटेंस बोल रहा है नोएल भी बहुत अच्छे सेंटेंस बोलते हैं तो और बोलो पॉइंट आज नहीं बोल रहे तो बोलती भी बहुत अच्छा है हाँ बोलो आप बेटा आप तो बैठ ही हो हाँ और बोलिए Discuss why Nazism became popular in Germany in 1930. How Nazism became popular? 1930 में क्यों popular हुआ? बताओ एक बार। अरविंद बताइए। आपके सेंटेंस बहुत एवरेज हैं, कोई सी स्टैंडर्ड नहीं है, ऐसे तो सिक्स के बच्चे भी नहीं रहते, ऐसे नहीं चलता है। आप बोलो कुछ तो स्टैंडर्ड बोलो जो बोल रहे हो। हाँ, how Nazis became popular in 1930? एक पॉइंट तो बोलो। पोस्टर लगा करके वो पॉपुलर हो गए, बोलो बेटा। जर्मनी को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे इसकी को अरबी में बोल के दिखाओ इंग्लिश में बोल दो हिंदी में सोचना चाहिए इसलिए क्या ना बोलो आप बेटा
अगला पॉइंट बोलो आप। गुड मॉर्निंग दिखाई नहीं सर, तो मैं बताऊं क्या, प्रॉपर्ली बोलो ना, पर लिखा हो तो बताऊं। आप क्यों हमसे पूछ रहे हैं, बारी बारी दिक्कत हो रही है, तो यहाँ बैठी हूँ चलने आई। हाँ बोलिए, मेहनत ना करनी पड़े, बोल बेटा। ऐसा थोड़ी कमजोर बना जाता है, यही सब प्रयास कमजोर बनाती है तुम कर रहे हो। पहला क्वेश्चन बताया, अभी पूछा फिर नहीं बताया, या तो इतनी दिमाग की तेज हो। ये कल क्वेश्चन चारों याद करके आइएगा, फिर इसके आगे नेक्स्ट कराएंगे सीरीज। अभी तो टाइम हो गया, आपको कौन सा एंगल चाहिए? ये 65 में 65 हो गया, 360 में 130 चला गया, 130 का 115 हो गया ना।